आज पूरे दिन हम लोग इकोनॉमिक करेंगे, तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला वेयर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश सेकेंड फाइव ईयर प्लान, यानी दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे अधिक खर्च किया गया था? तो इट वॉज फोर्थ फाइव ईयर प्लान जिसमें सबसे अधिक खर्च किया गया था। योजनाबद्ध उद्देश्य अध्याय के लेखक कौन थे? तो ये मुरारजी देसाई हैं, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वहीं योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? बंद अर्थव्यवस्था, तो इसमें ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इम्पोर्ट होता है, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। चौथी योजना की सफलता में क्या बाधा थी? तो ये पुअर मॉनसून, वार विथ पाकिस्तान, प्रॉब्लम ऑफ बंगाल रिफ्यूजीज सारे थे, ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, साइलिकल, डिस्केस्ड, तो डी इसका हो जाएगा। सबसे अधिक भारत में पाए जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, साइलिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल का जो एक फेज होता है व्यापार का जिसमें व्यापार थोड़ा स्लो होता है, वही होता है चक्रीय बेरोजगारी। पूर्ण गरीबी का क्या अर्थ है? पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम कैलोरिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं कर रहे तो वो गरीबी की परिभाषा में आता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुआ। डिवेल्युएशन मीन्स और मूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो ये करेंसी के मूल्य को नीचा कर देना, कम कर देना फॉरेन करेंसी की तुलना में, ये डिवेल्युएशन या अवमूल्यन कहलाता है। लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपेरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी इज नोन एज डिवेल्युएशन। मौद्रिक नीति का विनियमन कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाई इट इज सेंट्रल बैंक। 1 रुपी करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ, 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये जो हमारा फिनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। महंगाई किसके परिणाम स्वरूप होती है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फॉल इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन, दैट इज द बेस्ट आंसर, कि मनी सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो वो महंगाई का कारण होता है। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है, मीन्स कितने भाषा में लिखा रहता है? तो ये 15 भाषा होता है। व्हाट इज ब्लैक मनी, काला धन क्या है? इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली इवेडेड, जिसमें छुपा दिया गया टैक्स को नहीं बताया गया। ब्राउन मनी में M3 आता है, ये मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बना के मनी के डिफरेंट टाइप में समझा दूंगा। RBI का निर्गम विभाग नोटों की छपाई के खिलाफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाया गया है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है जनरल प्राइस इंडेक्स में ग्रोथ करना। भारत में स्थापित पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ग्रामीण बैंकों में से एक नदी के नाम पर रखा गया है, वर्धा ग्रामीण बैंक है। तो ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किए 2 वीडियोज़ मिला करके। आज पूरे दिन हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी को, और BPSC स्पेशल हम लोग जो कड़ी चला रहे हैं इसमें प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट को उठा के 200 से 300 से 500 तक फैक्ट्स कवर करने का प्रयास होता है। तो चैनल से जुड़ जाइए, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके BPSC, UPSC, SSX, CTET का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।